जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और साथ के साथ जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके भी आंसर करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके बारे में। तो साथियों, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो एडमिशन को लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जो हमारे नए सत्र के एडमिशन होने हैं उसके लिए पोर्टल ओपन कब होगा, यानी कि जैसे LLB में एडमिशन लेना है, BA में लेना है, BSc में लेना है, BBA में लेना है, BCA में लेना है, तो इन सब के लिए जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो कब से शुरू की जाएगी। तो साथियों, जो उम्मीद लगाई जा रही है वो आपके अगस्त के फर्स्ट वीक में, जो उम्मीद लगाई जा रही है कि फर्स्ट वीक में पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, और जैसे ही पोर्टल ओपन होगा तो उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। तो यदि साथियों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आगे बच्चे अपने रिजल्ट को लेकर परेशान हैं, तो इस पर हम काफी बार बात कर चुके हैं। तो रिजल्ट आपका जिन कोर्सेज का रह गया है वो बहुत जल्द आने वाला है। आगे जो नेक्स्ट है, जो आज की अपडेट है उसके बारे में बात करें, तो सबसे पहले जो आज लास्ट डेट है आपकी, जो हमारे लॉ के एग्जाम होने हैं, यानी कि LLP 3 ईयर में, BLLB आपको जो 5 ईयर है कोर्स है, और आपका LLM, तो इनके जो एग्जाम होने हैं, जो ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपको किस तरीके से एग्जाम देने हैं, ऑनलाइन देना चाहते हैं आप या ऑफलाइन देना चाहते हैं, तो उसके लिए आज आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आज ऑप्शन सेलेक्ट करने की लास्ट डेट है। यदि आपने ऑनलाइन सेलेक्ट किया हुआ है तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, और ये जो आपका टाइम रहेगा शाम 5 बजे से पहले पहले आपको करना होगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके रात के 12 बजे तक का समय है, आज शाम 5 बजे तक आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है जो हमारे एग्जाम सेंटर है, तो एग्जाम सेंटर की भी लिस्ट सीसीएस यूनिवर्सिटी ने जारी कर दी है, तो वो आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि आपका एग्जाम कहां पर है। जो आपके एग्जाम की लिस्ट है वो मैंने अपने फेसबुक पेज पर भी अपडेट की हुई है, तो यदि आपने फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया हुआ है तो फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर एजुकेशन से जुड़ी हुई बहुत सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फेसबुक पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आगे बात करें, जो हमारा DLED कोर्स है, तो DLED के लिए भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 20 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, तो यदि आपको भी DLED में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 10 अगस्त DLED के लिए एडमिशन की लास्ट डेट है। अब बात करें जो MSc बॉटनी है, तो MSc बॉटनी में आपके जो दो पेपर हैं उसमें कुछ डेट में परिवर्तन हुआ है। वो जो परिवर्तन हुआ है, जो दो पेपर चेंज हुए हैं, दो पेपर की जो डेट चेंज हुई है वो मैंने अपने फेसबुक पेज पर भी अपडेट की हुई है, और सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं। तो साथियों, जो जितनी भी अपडेट थी वो मैंने आपको बता दी है। यदि अभी भी आपका कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।